नेक्स्ट आता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का आपका मतलब क्या होता है कि किसी भी एसेट को परचेज करने के लिए या लायबिलिटी को पे करने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है, यानी कि लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए जो आपने पैसा खर्च किया है, या तो आपने कोई उधार ले रखा था उसको पेमेंट करने के लिए जो पैसा आपने खर्चा किया है। याद रखिएगा, किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को आपने खरीदने के लिए जो पैसा खर्चा किया है, या आपने कोई उधार ले रखा था वो पैसा, मतलब आपने कोई लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए जो पैसा खर्च किया है, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट, यानी कि एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, पाने के लिए जो आपने पैसा खर्च किया है, एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज, इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, एसेट्स को पाने के लिए, लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए जितना भी आपका पैसा खर्च हुआ वो सारा एक्सपेंडिचर में आ जाता है। अब एक्सपेंडिचर आपके बेसिकली कितने होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल, तीसरा होता है डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको आप करके डेली बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं, समझिएगा। यानी कि ये आपके ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको आपने एक बार कर दिया, आपको डेली प्रॉफिट इससे मिलने लगता है। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि आपने एक बार खर्चा कर दिया तो ये डेली आपको इनकम देने लगता है। जैसे रेंट आपने पे कर दिया, अब आप डेली उस जगह पे काम कर सकते हो, है कि नहीं, डेली उस दुकान को आप यूज़ करके सामान को बेच सकते हो, डेली आपके पास पैसा आता रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपके मतलब होता है कि आप कैपिटल एसेट्स जो परचेज करते हो खर्चा करके, कैपिटल एसेट्स का मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये सारी चीज़ें जो आपको एक ही बार खरीदनी होती हैं और आपको लंबे समय तक ये फ़ायदा देती रहती हैं। ठीक है, जैसे आपने एक बार लैंड खरीद लिया, लैंड का मतलब ज़मीन आपने खरीद ली, ज़मीन खरीदने के बाद आपका क्या हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आपको बार बार ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, एक बार खरीद लिया आपके पास परमानेंट के लिए हो गई, बिल्डिंग एक बार बनवा ली लंबे समय तक के लिए हो गई, मशीन ले लिया लंबे समय तक के लिए हो गई। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपने एक बार किए और ये आपको लंबे समय तक फ़ायदा देते रहते हैं, ये आपके कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला होता है डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आपने खर्चा तो आज किया है लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद ही आपको फ़ायदा देगा। यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, लेकिन डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 से 5 साल का होता है, 3 to 5 years का होता है। तो यानी कि आपने खर्चा तो आज कर दिया लेकिन जो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा वो 3 से 5 साल के बाद मिलेगा। तो ये होता है आपका डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपने खर्चा आज किया लेकिन आने वाले समय पर हमें फ़ायदा देगा, 3 से 5 साल तक ही आपको फ़ायदा देता रहेगा, यानी 3 साल के बाद या कुछ समय के बाद और 5 साल तक का ये फ़ायदा देता रहेगा, यानी कुछ समय के बाद फ़ायदा देगा और लंबे, मतलब ये फ़ायदा आपको पहुंचाता रहेगा। तो आपका ये तीनों कंप्लीट हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं एग्जांपल बताता हूं, एडवर्टाइज प्रचार जॉब करवाते हो, प्रचार तो ऐसा नहीं आपने तुरंत प्रचार कराया तुरंत फ़ायदा मिलना शुरू हो गया, नहीं, प्रचार आज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट आज आपका हो रहा है, लोग देखेंगे जानेंगे फिर आके आपका खरीदेंगे, तो यही चीज़ आपकी डिफॉल्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत, कल मैं आपका प्रॉफिट वगैरह से शुरू करूँगा। तो थैंक यू क्लास, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट कर लीजिएगा या तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।